इन्हें सब्सिडी सारी गायब कर दी, अपने कॉपरेटिव को रहना सब्सिडी दे दी। दुष्यंत का क्या लगता आपकी बार? ये ठा गया बिस्तरा, उड़ा भी देख लिया, उड़ा भी देख लिया, आदमी ठीक था। लेकिन अगर किसी ने विवाद नहीं किया है और वो अगर किसी राजनीतिक दल में है तो ये टिप्पणी भी सही नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई ना ये तो। ऐसा जी, अगर जब परिवार होता ने, 1.5 साल किसान आंदोलन चला दिल्ली में, उसको परिवार समझाओ रे। जी एक सवाल हो रहा है मेरा, क्या आंदोलन पहले नहीं हुए? हुए है ना, उन नेताओं के भी परिवार रहे हैं, उन मुख्यमंत्रियों के भी परिवार रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों होती है कि सरकार जो है अविवाहित लोगों की है? इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं सरकार की कमियों पर, कामकाज पर। सरकार की कमी कौन है? किसान क्या मांग रहा था वहाँ? ये कमी है ये बताएं। किसान क्या मांग रहा था? एमएसपी लागत का 1.5 गुना, वो सरकार क्यों नहीं दी? जिस टाइम पर यह गुजरात का सीएम था मोदी, उस टाइम बस किसान वाली कमेटी मेंबर था यो, और सेंटर में किसकी सरकार थी? मनमोहन की। इसने मनमोहन को चिट्ठी लिखी थी और किसानों का लागत का 1.5 गुना दे, एमएसपी का कानून बना, जब तो माने नहीं मनमोहन। अब तो ये मौके पर प्रधानमंत्री है, उस कमेटी का भी मेंबर था, अब इसे लागू क्यों नहीं करे? किसान क्या कह रहा है? अगर मेरे को मंडी में एमएसपी का समर्थन मूल्य चाहिए और मंडियाँ चाहिए। इंडिया में कितनी मंडियाँ हैं, कितनी बंद हो चुकी हैं, वो मंडियाँ किस कारण? ये काम यहाँ पर हरियाणा पंजाब में यूपी में करना चाह रहे थे। अगर यहाँ का किसान जागरूक है, ये कॉरपोरेट कराने आ गए तो ये मंडी ख़त्म हो जाएंगी। ये देश का प्रदेश का किसान है और रोड पर आ जाएगा, उसको न एमएसपी मिलेगी न। और इसने क्या कहा था, हम 2022 में किसान की आमदनी दूनी कर देंगे। किसान के ऊपर 4 गुना कर्ज हो गया, दुगनी तो नहीं हुई, कौन है दुगनी? आप देख रहे थे झूठे वादे के जैसे, वहाँ से भी मुकर गया ये किसान, झूठ बोल के घर खना दिए, वो कमेटी बनाई, वो कमेटी भी नहीं बनी। इसने क्या पता किसान कैसे क्या। बीच में हम ये भी माने किसान नेताओं का भी कुछ हम माने के कमी रही है, वो सरकार तक बात पहुँचाए भी है लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, मानते हैं आप? किसान नेता तो उससे बात बढ़े थे, अगर किसान को एमएसपी दे दे, लागत का 1.5 गुना दे दे, क्यों नहीं देता? आज फसल की बिजाई चली है डीएपी की, कौन सी कंपनी खाद बनाती है? कोऑपरेटिव कंपनियां खाद बनाती हैं, और डीएपी खाद प्राइवेट गोदाम में पड़ा है। प्राइवेट क्या करता है दुकानदार, किसान एक डीएपी लेता तो एक बीज का लगाता है या दवाई ले। सरकारी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, वहाँ तो सरकार ने खरीदा नहीं खाद, प्राइवेट को खाद दे दिया। वो किस लिए बना रखी कोऑपरेटिव सोसाइटी? किसान के लाभदायक के लिए, वहाँ से खाद लो। अब किसान डीएपी मांग रहा है तो यूरिया भर दिया वहाँ पे, जब यूरिया मिलेगा मांग करेगा जब डीएपी आ जाएगा। ऐसी सरकार है, वो क्या कह रहा था आपको, इसने नहीं पता किसान आज दिए पिछले या तो यूरिया क्यों दे रहे हैं। राहुल जी आपने कई राजनीतिक दौर देखे होंगे, तो इस सरकार जैसा कामकाज क्या पहले हुआ या नहीं हुआ? पहले वाली सरकारें बेहतर रही या नहीं रही ये बताएं जरा। इसमें सरकारें आयर गई, किसान और कर्मचारी और बेरोजगार के लिए तो ये सरकार बहुत निकम्मी है। इससे पहले वाली सरकारें हुड्डा राज, चौटाला राज, ये किस तरह का था? उसमें कुछ कुछ तो मिला करता, किसान को रेट मिला करता, सब्सिडी पर जिंक मिला दी और सौदा खूब मिला करता सब्सिडी। इन्हें सब्सिडी सारी गायब कर दी, अपने कॉपरेटिव को रहना सब्सिडी दे दी, उससे सब पिछली सरकारें रही हैं इनसे। तो ये क्या मैं मानूं कि सिर्फ महम महम के लोग बलराज कुंडू के साथ हैं और दूसरे हरियाणा के जिलों के भी हैं? दूसरे हरियाणा के भी हैं, महम महम नहीं, दूसरे हरियाणा के भी हैं। हर स्टेट तक ईमानदार नेता चाहिए हरियाणा में, गुंडे तो देख लिए सारे, ईवीओ के था दूसरे, इसका दादा परदादा तो किसानों के लिए लड़िया करता, यो किसानों की महिला का लाठी मरवाओ था, क्या किया? दुष्यंत का क्या लगता है? दुष्यंत का क्या लगता आपकी बार? ये ठा गया बिस्तरा, वहाँ जा लिया राजस्थान में, राजस्थान की विधानसभा की मैं ताले से खोल दूंगा।
मेरी साहबी से वहाँ जूत लागेंगे इसके। अच्छा तो हुड्डा साहब को लेकर क्या सोचना है? हुड्डा भी देख लिया, हुड्डा भी देख लिया, आदमी ठीक था, फिर जो किया है ना उसने ठीक किया है, फिर यो भाई आगे जब कैट लग गए है हुड्डे का भी, ये धरती और जमीन से जुड़े आदमी आज जब कैट लग गए हैं, उड्डन के खेती करी है, उन्होंने धरती चलाई है, उसने गर्मी पसीना पता कैसे है ठंड की क्या है,